सो हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। मेरा नाम आविक। गाइस आज आपको दिखाने वाला हूँ एक पावरफुल चेनसा मशीन। गाइस ये चेनसा मशीन पेट्रोल से चलती है। गाइस ये 62 cc में आती है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, प्लस इसमें क्या हमें सामान मिलता है और क्या क्या एक्सेसरीज साथ में आती है, सब चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ और सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो इसकी फिटिंग भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बीएससी पावर बेस्ट चेंसर जर्मन टेक्नोलॉजी 62 cc के साथ आपको मिल जाती है ये मशीन। गाइस ये मशीन का लुकिंग वाइज आप देख सकते हैं किस टाइप का है। टोटल बेहतरीन लग रहा है, टोटल मेटल बॉडी लग रहा है। तो इसके कुछ फीचर मैं आपको बताया था, ये 6200 मॉडल है। और गाइस ये है जो है ना मशीन 2-stroke इंजन सिंगल सिलेंडर एयर कूलिंग वाला है। गाइस इसकी आइडलिंग स्पीड 3000 rpm पर मिनट है। आइडलिंग स्पीड का मतलब होता है जब आप मशीन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो वो मशीन चलती रहती है, बट जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। जो ट्रिगर विदाउट ट्रिगर के जो स्पीड आती है वो आइडलिंग स्पीड कहलाती है। तो गाइज यहाँ पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और इसको गत्ते को बाहर निकाल लेता हूँ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज आपको मिल जाती है एक ऐसी डायरी, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है मशीन के बारे में। मशीन के काफ़ी सारे फोटोज वगैरह भी हैं और किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरीके में इसमें भी ये भी कुछ लिखा हुआ है। आपको मिल जाता है 18 inch का गाइड बार स्टील का। तो गाइज ये स्टील का गाइड बार है 18 inch वाला, बीएससी पावर कंपनी का, काफ़ी हेवी है, बहुत ज़्यादा है इस गाइड बार की। गाइज ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम चलता है। आपको मिल जाती है एक चेन 72 इसी कड़ी है, 18 inch की चेन है, ये भी स्टील में आती है। गाइज काफ़ी हेवी इसके दांत होते हैं, दांत बहुत सार्प। गाइज इस मशीन से आप बहुत ज़्यादा मतलब माल काट सकते हैं, काफ़ी क्वान्टिटी में माल कट जाता है, कई क्विंटल माल इससे काट सकते। तो गाइज बहुत ज़्यादा हेवी मशीन के साथ में आपको हेवी चेन मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पर आपको मिल जाता है एक क्लच ऑपरेटर, जिससे आपके क्लच ऑपरेट होता है। गाइज इस ट्रिगर को जो ब्लैक वाला इसको दबाते हैं तो इससे क्लच ऑपरेट होता है। यहाँ पर इसके बीएससी पावर लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर जो आपको मिल जाता है गाइड बार के ऊपर इसको लगाना होता है और यहाँ पर चेन का लोगो मिल जाता है आपको कि चेन की साइड से रखनी होती है। तो चेन का लुक हमें आगे की साइड में करना होता है। ये लॉक होता है इसका, इसी से जो है ट्रिगर का काम करता है। ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये रिंग जो है क्लच को दबाने का काम करता है, यानी कि क्लच को पकड़ के रखता है। तब तक गाइड बार नहीं घूमता जब तक आप इसको प्रेस नहीं कर लेते। ये आपको एडजस्टिंग स्क्रू मिल जाता है जिससे आप गाइड बार की जो है लेंथ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, यानी कि गाइड बार में खांचा कटा हुआ होता है उसमें जो है चेन को आपको छोटी बड़ी करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रू वाला हिस्सा मिल जाता है। तो गाइज ये आपको टूल किट मिल जाती है। इस टूल किट में आपको खोल के दिखाया तो आपको क्या क्या सामान मिल जाता है। छोटी छोटी एक्सेसरीज आपको मिल जाती है। तो आपको टी पाना मिल जाता है जिसमें आपको प्लग पाना और जो गाइड बार के ऊपर आपको स्टड लगाने होते हैं उनके नट से खोल सकते हैं आप इसका। और आपको एक पेचकस मिल जाता है बड़े साइज का। दूसरी चीज़ आपको एक एलकी मिल जाती है, आपको एक छोटा पेचकस मिल जाता है। इस एलकी से आप जो है छोटे वाले एक पत्ती लगती है गाइड बार के बराबर में, उसमें आप इसके पेंच लगा सकते हैं। आपको एक बड़ी एलकी मिल जाती है जिससे आपको मशीन को खोलने में मदद मिलती है। काफ़ी सारे स्क्रू इससे खुल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके प्लग वगैरह सब कुछ खुल जाते हैं। ये वो पत्ती है जो गाइड बार के जस्ट बराबर में लगती है, छोटे छोटे इसमें स्क्रू लगते हैं, उसी के वो एलकी है। फाइनली आपको छोटे वाले स्क्रू मिल जाते हैं और स्टड के आपको नट भी मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर स्टड के नट हैं और छोटे वाले स्क्रू मैं रख देता हूँ एक साइड। और लास्ट में आपको मिल जाता है एक टिकोरा जिससे आप चेन की धार लगाते हैं और चेन की धार इससे लगाई जाती है। गाइस जब चेन थोड़ी सी डाउन हो जाती है उसकी धार इससे लगाई जाती है। तो बाकी सब कुछ खाली हो चुका है, अब इसको रख देते हैं एक साइड। अब निकाल लेता हूं मैं फाइनली मशीन को बाहर और मशीन का गत्ता मैं कर लेता हूं बाहर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको एक कंट्री मिल जाती है जिसमें आपको पेट्रोल मिला करके डालना होता है। तो टूटी ऑयल इसके साथ में डालना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो 25 ml 1 liter पेट्रोल में 25 ml आप टूटी ऑयल डालें और 25 ml से कम ना डालें क्योंकि मशीन खराब होने के चांसेस होते हैं, सूखी चल जाती है। और इससे ज़्यादा अगर जो आप टूटी ऑयल मिलाते हैं इसके अंदर तो उसमें मशीन को ज़्यादा खतरा हो जाता है। साइलेंसर के बाहर आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा, धुआं बहुत ज़्यादा देती है जिससे पेट्रोल जो है बढ़ जाता है इसका और प्लग की सेटिंग खराब हो जाती है, प्लग खराब होने लगते हैं, जल्दी जल्दी कार्बन पर आता है और कार्बोरेटर की सेटिंग खराब हो जाती है। तो जिससे पेट्रोल की फिर लिमिट बढ़ी जाती है परमानेंट, वो फिर ज़्यादा ही पेट्रोल खाती है।
बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज बहुत ही कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसका पेट्रोल का मतलब खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मशीन ऐसा लगता है जैसे मशीन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बट ये प्रॉब्लम आती है ट्यूटोरियल मिक्स करने से ही। गाइस लुकिंग आपको मिल जाती है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है मशीन, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हैवी मिल जाती है, काफ़ी इसके अंदर वेट है क्योंकि एलुमिनियम बॉडी है और काफ़ी जो है जो इसके साइड जो स्टार्टिंग असेंबली है ये भी एलुमिनियम की है, प्लास्टिक बॉडी सिर्फ ऊपर का कवर जो लगा वो प्लास्टिक का है जिस पर मैंने हाथ रखा हुआ है। गाइस यहाँ पर मिल जाती है आपको बेसी पावर बेस्ट चैन सा 62 cc, ऑटोमेटिक ऑयल पंप एंड ऑयल लुब्रेशन इंजन, क्लीन एयर इनटेक सिस्टम, एलुमिनियम स्टेटर, इफेक्टिव एंटी वाइब्रेशन सिस्टम, योर बेस्ट चॉइस। तो गाइस इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें जो फ्यूचर है गाइस इन्होंने मशीन पर वही लिखा है सब कुछ, तो इसमें फ्यूचर है कि इनमें जो है नीचे बुश लगा वो लगा हुआ था टावर स्प्रिंग, जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो गाइस ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एलुमिनियम का स्टेटर, यानी कि जो एलुमिनियम का ये स्टेटर जिस पर साफ साफ यहाँ पर भी लिखा हुआ बीएसी पावर, तो ये सिस्टम जो है पूरा एलुमिनियम का है इसका, ये पूरी जाली एलुमिनियम की है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी है ये, जल्दी से ख़राब नहीं होती है, टूटती फूटती नहीं है ये सब अधिकतर। ये ऑन ऑफ वाला स्विच आपको मिल जाएगा, ये सिर्फ हमेशा ऑन रहता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑफ होता है, यानी कि मशीन को जब बंद करना हो तभी। तो यहाँ पर आपको ये बल्ब टाइप का मिल जाता है, तो ये पेट्रोल को यानी कि पेयर पेट्रोल में जो गैस बनानी होती है ऑयल में, ऊपर आपको मिल जाती है चौक, इसको खींचने पर जो है मशीन यानी चौक में हो जाती है जब आपकी मशीन स्टार्ट नहीं हो पाती, तो आपको ये एयर वाला जो फिल्टर मिल जाता है, एयर फिल्टर की मैं जाली डाल दूँ ऊपर की, तो मैं यहाँ से एयर फिल्टर को बैठा देता हूँ। तो अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ अंदर, नीचे जो है इसका कार्बोरेटर लगा हुआ होता है इसके अंदर, यहाँ पर पेट्रोल आपको दिख जाता है जब आप इधर से पंप मारते हैं ना ये वाइट वाले उसमें, तो पंप करने पे आपको यहाँ पर पेट्रोल दिख जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है कार्बोरेटर, और ऊपर से मिल जाता है आपको यहाँ प्लग भी ऊपर ही मिल जाता है, इसी पानी से इस प्लग को ऑपरेट किया जा सकता है जिससे आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर ये प्लग इसी काम में आएगा, प्लग को मैंने कि प्लग पाना इस प्लग को खोलने का काम आता है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको रिटर्न इस पर लगा करके रख देता हूँ, तो अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये इसके क्लच है। तो गाइस ये ऊपर की साइड में रिंग घूम रहा है क्लच, और जो ऊपर से ड्रिंक घूम रहा है क्लच का ड्रम है। तो यहाँ पर आपको ऑयल जो पंप, इसमें ऑयल पंप लगा हुआ है गाइस, तो उस ऑयल पंप में से जो है ऑयल निकल कर आती है, तो ऊपर जो खांचा है उसमें दिखाई देता है आपको, ये क्लच मिल जाती है आपको, और इसके जस्ट पीछे जो है आपको क्लच का ड्रम मिल जाता है, और उसमें लगी हुई वॉर्म मिल जाती है आपको, जो प्लास्टिक कलर की आपको दिख रही होगी, प्लास्टिक वाइट कलर की, ये जो है वॉर्म है, जिससे इस वॉर्म से जो है नीचे आपको गरारी मिल जाएगी जिसमें चेन चलेगी आपकी, और जो नीचे वाली जो वॉर्म है वाइट कलर वाली, तो उस पे जो है पंप ऑयल पंप काम करता है, और जो ऊपर की साइड में जो है लगी हुई आपकी ये गरारी, इसमें चेन चलती है, तो दोनों चीज़ें मतलब एक साथ ही चलती हैं, चेन पे मोबिल भी आता है और चेन भी चलती है। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारा मतलब फीचर मिल जाते हैं, तो 3 सिलेंसर इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये टैंक दिखाई दे रहा होगा, ये वाला टैंक जो है गाइस, इसका टैंक इसमें हमें भरना होता है 250 ml मोबिल, यानी कि 260 ml मोबिल। तो गाइस में 260 ml मोबिल जो है वो सिर्फ चेन पर ही चलता है, इसके अलावा मशीन के इंजन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, बट आपको यहाँ पर अच्छा मोबिल डालना हो तो यहाँ पर ये पेट्रोल का टैंक मिल जाता है आपको, इसके अंदर पेट्रोल जो है 550 ml की इसकी लिमिट है इस टैंक की। तो गाइस इसके अंदर 550 ml आपका जो है पेट्रोल विद टूटी ऑयल के साथ में आएगा, यानी कि 525 ml जो है आपका पेट्रोल होगा और 25 ml जो है आपकी टूटी ऑयल होगी, तो दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें लगा देंगे, तो ये आपको मिल जाता है इसका फाइनली ट्रिगर। तो यहाँ पर ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा, नीचे से ट्रिगर को प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ही करके चलती है गाइस। तो ऊपर से जब तक हम इसको दबाएंगे तो नीचे वाला वर्क करेगा, ऊपर का हम दबाएंगे वर्क करेगा, ऊपर का नहीं दबाते हैं तो नीचे वाला वर्क नहीं करता है, तो यानी कि ट्रिगर हमारा बिल्कुल भी नहीं दबेगा जब तक ऊपर से प्रेस ना करें इसको। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अधिकतर ये मशीनों में आता है और इसमें भी दिया गया है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है मशीन के अंदर काफ़ी हैवीनेस, और जो इसका गाइड बार आप लगा के देखते हैं तो गाइड बार इस टाइप से इसको लगा दिया जाता है, और यहाँ पर मैं इसमें लगा करके नहीं देख रहा हूँ, बट इसमें आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से लगाना होता है, स्क्रू ऊपर से लग जाते हैं इसमें, ये स्टड लगे हुए हैं इसके, यहाँ पर गाइड बार आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर गाइड बार के ऊपर से आपको ये गाइड बार लगाया जाएगा, फिर ऊपर से ये इसका जो क्लच वाला है ये ऊपर से लगाया जाएगा, ऊपर से स्टड लग जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो मेन चीज़ जो है मैंने वो आपको बता दी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज़।